Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalay. In last video we had seen cutting the halwa. Today we are going to see parts of the steps. जैसे हम लोगों ने हलवा कट करके उसके parts देखे थे, उसी तरह से हम लोग जो है आज के video में strips, यानी कि जो पट्टियाँ होती है paper की हो या तो फिर कुछ भी, आप लोग ply की पट्टियाँ ले लीजिए, कुछ भी पट्टियाँ जो है उसको कट करके उसके जो part हैं तो वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम लोग आज देखेंगे. लुक एट द पिक्चर, ये जो पिक्चर है उसके बारे में देखिए. राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस, तो ये जो सारे के सारे पार्ट है उसमें से ग्रीन जो कलर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, तो उसको देखिए. एंड उसके जो कलर्ड है उसका कितना हिस्सा जो है, वो कितना हिस्सा उस पट्टी ने कवर किया है, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है. तो देखें टोटल, अगर हम लोगों के पास तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो टोटल जो है इस रेक्टेंगल के 15 पार्ट्स हुए हैं. इसमें से ग्रीन पट्टी है, अगर ये जो हम लोग ले लें तो हम लोगों के पास जो है वो कितनी पट्टियाँ हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 15 पार्ट्स थे. इसमें से 4 जो है वो ग्रीन कलर से शेडेड है, तो हम लोगों के पास हो जाएंगी 4/15. तो ईच पार्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को जो ग्रीन पट्टी का पार्ट है तो वो हो गया 4/15. नाउ राइट द पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ ईच कलर, तो सारे के सारे जो कलर हैं इसका हम लोगों को अगर फाइंड करना हो, तो यहाँ पे पिंक कलर वाला अगर हम लोग देखें तो वो है हम लोगों के पास 1/15 पार्ट. नेक्स्ट जो है येलो कलर वाला, तो वो हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 10 पीसेस जो है वो हो गए हम लोगों के पास येलो कलर वाले, तो वो होंगे 10/15 का रेशियो. तो इस तरह से जो है वो हम लोग स्ट्राइप जो है उसके पार्ट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट जो है, हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ, तो ये जो है इसका 1/4, तो वो हम लोगों के पास किस तरह से फाइंड करना होगा कि उसका 1/4 जो है वो हाफ आएगा. तो ये जो टोटल है हम लोगों के पास 15 पार्ट्स में से 1/4 हम लोग पहले फाइन कर लेंगे और उसका हम लोग हाफ करेंगे, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है. नेक्स्ट है, हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4, तो कितने 1/8 पार्ट्स मिला करके हम लोगों के पास जो है वो 1/4 पार्ट होता है. नेक्स्ट है, हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2, तो टोटल कितने जो है वो 1/8 पार्ट्स मिला करके हम लोगों के पास जो होता है वो आधा हिस्सा हो जाएगा. तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है. जैसे हम लोगों ने हलवा में किया था, जो पार्ट्स हैं वो हम लोगों को कट करने थे, फिर उसके बाद हम लोगों को करना था, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है. अब नेक्स्ट जो है, लुक एट दिस स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है वो हम लोगों को देखना है. उसमें हम लोगों के पास क्या है कि व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, तो ये जो स्क्वायर है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो येलो कलर से शेडेड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है एंड व्हाइट है. तो उसमें से ब्लू कलर वाला जो कलर्ड है वो कितना पार्ट जो है वो कवर किया है, तो आप लोग देख सकते हैं. तो टोटल स्क्वायर के कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट. उसमें से 1 पार्ट जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड है, यानी कि आप लोगों के पास कितना पार्ट होगा ब्लू कलर वाला, 1/5. व्हाट पार्ट इज ग्रीन, तो ग्रीन वाला जो है वो कितना पार्ट है, तो अगेन हम लोगों के पास एक ही पार्ट जो है वो ग्रीन कलर से कलर्ड हुआ है, यानी कि आप लोगों के पास कितने पार्ट्स जो है वो ग्रीन कलर से कलर्ड हैं, 1/5. इस तरह से जो दूसरे कलर्स हैं उसका भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है, पजल इज इट इक्वल, तो हम लोगों को जो दो चीज है वो इक्वल है या नहीं है उसके बारे में फाइंड करना है, उसके बारे में बताना है. अमिनी सेज हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4 आर इक्वल, तो अमिनी जो है वो क्या बोल रही है, हाफ ऑफ हाफ यानी कि आधे का आधा, यानी कि 1/4 एंड 1/3 ऑफ 3/4, 3/4 अगर हम लोग लें और उसका 1/3 पार्ट हम लोग लें, तो क्वार्टर्स यानी कि 4, तो 3/4 पार्ट अगर हम लोग लें और उसका 1/3 पार्ट जो है वो हम अगर ले लें, एंड वो जो दोनों है हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3/4, तो ये जो दोनों है वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है.
तो ये जो है वो पजल है, तो आप लोग इसमें जो है वो ट्राई कीजिए कि आप लोगों को इसका मीनिंग जो है वो पता चल रहा है या नहीं। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों के पास वो है फ्रॉम अ पार्ट टू द होल, यानी कि पार्ट में से हम लोग होल या पूरे के पूरे के पास किस तरह से जाएंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करके फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।